अभी फिलहाल तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। एक्सपायर है बहुत ज़्यादा इसका जो है, ये बैंक तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बैंक वन ठीक है, बैंक टू में प्रॉब्लम है। इसका जो है यूज़ कर लिया आपने, अब जो इसका मेन पार्ट है वीडियो का वो शुरू होता है। याद रखें कि कोई भी सामान इंजन के अंदर ना गिरे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप। में फ़रोग अर्सी सऊदी अरब दम्माम से स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। ये फोर्ड एक्सपीडिशन 5.4 लीटर 3V V8 इंजन है इसका। इसके जो हैं लेफ़्ट साइड के पूरे चार सिलेंडर काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, यानी कि पांचवा, छठा, सातवा, आठवां सिलेंडर जो है लेफ़्ट साइड का वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। कैम बहुत ज़्यादा ओवर रिटार्डेड है, ये देखिए आप देख सकते हैं। पांचवा, छठा, सातवा, आठवां सिलेंडर बिल्कुल पावर बैलेंस उसका नीचे है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने स्कैनर इसमें लगा कर देखा तो उसमें जो है पोर्ट शो हो रहा है P0018, P0022। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें P1000, P0018, P0022, P0150, P0300, P0307, P0308, P0316, इस तरह के कोड जो हैं सारे शो हो रहे हैं। तो ये क्या है कि इसमें जो है टाइमिंग जो है ओवर रिटार्डेड होती है, जो है ये यानी बैंक टू है इसका। इनटेक कैमशाफ्ट टाइमिंग ओवर रिटार्डेड और क्रैंक की भी टाइमिंग जो है ठीक नहीं बताता है, ठीक है। और सारे सिलेंडर जो है हम इस फायर बता रहे हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो आपने देखा इसमें कोड बन रहा है P0018, P0022। तो इसका मतलब होता है कि इसका जो बैंक टू है उसका जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। यानी कि ये बैंक टू है, ये जैसे इंजन होता है कार में लगा हुआ, तो ये है बैंक वन इसका, ये राइट साइड का जो हेड है, और ये है बैंक टू। ये सिर्फ फोर्ड में है क्योंकि फोर्ड के सिलेंडर की काउंटिंग जो इस तरह से होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ओके। तो इसीलिए ये बनता है इसका बैंक वन, जहाँ से पहला सिलेंडर स्टार्ट होता है, और ये बनता है इसका बैंक टू। इसके बैंक टू का क्या है कि ये कैम फेजर, ये देख रहे हो आप, ये कैम फेजर जो है ये ओवर रिटार्ड पर जो है वो लॉक हो गया है। ये जो है इसकी बेस पोजीशन है, उससे हट करके जो ओवर रिटार्डेड है वहाँ पर लॉक हो गया है और दोबारा से ये न्यूट्रल नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है वो दिखा रहा है टाइमिंग इसका जो है लेफ़्ट साइड का ख़राब हो रहा है पूरा, ठीक है। पूरे चार सिलेंडर इधर के काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटायर्ड हो गई इधर की कैम। तो ये कैम फेजर है उसका, 4.6 और 5.4 लीटर दोनों इंजन का ये सेम कैम फेजर होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में भी लग सकता है और राइट साइड में भी लग सकता है। फ़र्क इतना होता है, जब आप लेफ्ट के हेड में लगाएंगे तो टाइमिंग जो आपको एल पर सेट करनी है, और जब आर पर लगाएंगे तो टाइमिंग आपको आर पर सेट करनी है। अब ये बेस टाइम पर जो है लॉक होता है, जैसे ही इंजन आप स्टार्ट करेंगे 200 से ऊपर RPM जाएंगे तो ऑयल का प्रेशर इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ से अनलॉक होकर के नॉर्मल पोजीशन पर जाएगा 0 डिग्री पर, ठीक है। और अगर ये यहाँ से अलग है कहीं और, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टक हुआ है या यहाँ पर स्टक हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिटायर्ड या एडवांस पोजिशन पर जो है ये स्टक हो रहा है, ठीक है। ये जो है मूव करता है वेरिएबल वॉल्व, इसी को कहते हैं VVTI, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसका जो है कैम फेजर जो था वो ओवर रिटायर्ड पर, यानी यहाँ पर इतने 3-4 टीथ थे बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पर जो स्टक हो गया था, वो अपनी जो नॉर्मल टाइमिंग है उस पर रिटर्न नहीं हो रहा था। सो इसलिए मैं अब इसका जो है कैम फेजर चेंज करूँगा, ये इस साइड का, और कैम फेजर चेंज करूँगा बिना टाइमिंग कवर वगैरह खोले। टाइमिंग कवर इसका मैं चेंज खोलूँगा नहीं, ना ही कोई कैम खोलूँगा। तो देखिए किस तरह से इसका बिना टाइमिंग कवर खोले आप जो है कैम फेजर चेंज करते हैं, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। इन सिंपल से स्टेप्स को आप फॉलो करके बिना टाइमिंग कवर खोले, बिना कुछ ज़्यादा सामान खोले, इसका जो कैम फेजर इजीली चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरे पास एक इंजन है, उसका कैम फेजर मैं खोल कर इसमें लगाऊँगा, क्योंकि नया कैम फेजर तो करीब करीब 1000 रियाल का पड़ता है, यानी इंडिया के 20-22 हज़ार रुपये, ठीक है। तो एक इंजन है, मैं उसका खोल कर लगाता हूँ, इसीलिए मैं इंजन अपने पास रखता हूँ, ताकि मैं कुछ सामान जैसे सम टाइम प्रॉब्लम होती है तो मैं कर सकूँ। अब इसका क्लच खोलने के लिए आपने क्या करना है कि इंजन को घुमाना है रैचेट लगा के, ठीक है, और इस पोजीशन पे ले आना है आपको कि सिलेंडर नंबर 7 है ना ये, तो इसके जो अपहिल पॉइंट है ये इनटेक के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप दिख रहे हैं, दिखाता हूँ आपको करीब से, ये देखिए ये 7 नंबर सिलेंडर है, तो इनटेक के जो है अपहिल पॉइंट ऊपर होने चाहिए कैम का,
और वो जो है एग्जॉस्ट का वो इधर नीचे की साइड में आना चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन में जब आप इसको रख लेंगे तो ये आर मार्क जो है ना, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये आर मार्क, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद में आपने निशान लगाने हैं फेजर पर और चैन पर अच्छे से, जो मिटे नहीं, ठीक है। कैम को आपने इसी पोजीशन पर रखना है जिस पर मैंने रखा है। उससे क्या होता है कि कैम आपकी घूमती नहीं जब आप फेजर निकालते हैं। तो अब उस कैम की पोजीशन को वहाँ पर सेट करने के बाद में आपने क्या करना है, एक निशान लगाना है इस तरह से, ये कैम पर और इसके कैप पर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारी कैम जो है कोई घूमी वगैरह तो नहीं है। इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और एक निशान ये कैम फेजर पे यहाँ पर लगा लेंगे। ये आ गया है एक ब्लू पॉइंट चैन का हाईलाइट मार्क, अच्छी बात है। अगर नहीं आया यहाँ पर तो आपने सिंपली आर पे मार्क लगाना है और यहाँ पे लगाना है, क्योंकि दूसरा जो कैम फेजर आप फिट करेंगे इसमें वो सेम मार्क पे करेंगे आर के सामने, तो उसका टाइमिंग जो है सही आ जाएगा, ठीक है। और आपने एक निशान जो है वहाँ पर भी लगा लेना है क्रैंक पर, ताकि आपको जो है वो पता चले। मैं आपको देखिए थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ से जूम आउट करके, नहीं दिख रहा यहाँ से, वो देखिए एक लगा लेना इस तरह का मार्क आपने क्रैंक की पुल्ली पर भी, ताकि आपको पता चले कि भाई हमारी क्रैंक घूमी तो नहीं है, ठीक है। एक मार्क ये लगा लिया हमने और एक मार्क ये लगा लिया यहाँ पर और एक मार्क ये लगा लिया यहाँ पर हमने इस तरह का, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको लूज करते हैं हम, अभी नेक्स्ट कैम के बोल्ट को लूज करते हैं हम। अब इसको यहाँ से वाइस ग्रिप से लॉक करके, ठीक है, और ये बड़ी वाली रॉड है, इससे आपको ये बोल्ट लूज कर लेना है, ठीक है। एक बंदे की हेल्प से और आप ये सामने वाला बोल्ट लूज कर लेंगे। लूज कर लिया आपने, अब जो इसका मेन पार्ट है वीडियो का वो शुरू होता है। याद रखें कि कोई भी सामान इंजन के अंदर ना गिरे। अगर कोई भी छोटी चीज़ इंजन के अंदर गिर गई तो फिर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, आपको पूरा इंजन खोलना पड़ सकता है। इसीलिए इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कोई भी काम करते टाइम, कि इंजन के अंदर कोई चीज़ नहीं गिरे। फिर उसके बाद ये है एक हमारा स्पेशल टूल जो हमने बनाया है, एक ब्रश था लकड़ी वाला जो क्लीन करते हैं ना उसको हम सामान को, ये देखिए उसको काट के इस तरह से शेप में बनाया मैंने। वैसे ही मार्केट में मिलता है लेकिन आपको आसानी से नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है अमेरिका वगैरह से। अभी करना क्या है कि इसको जो है बीच में डालना है इसके चेन के, ठीक है, इस तरह से बीच में डालना है कि ये जो है टेंशनर को लॉक कर दें। ये देखिए एक मोटा सा तार बांध लेना है इसमें, क्योंकि बाद में निकालना भी पड़ेगा आपको। ये देखिए मैंने उसको जो है चैन के बीच में लगा दिया। अभी इसको मैं एक हेल्पर की मदद, अब वो जो है लकड़ी आप उसके अंदर लगा देंगे, ठीक है, तो हेल्पर की हेल्प से ये किसी भी पतली रॉड की ऐसे उसको अंदर ठोक देंगे। इतना ठोकना है बस कि वो टेंशनर को जो है लॉक करते हैं, इतना नहीं कि पैड टूट जाए प्लास्टिक का टाइमिंग का, ठीक है। उसको करके यहाँ पर और इसको साइड में कर देंगे वायर को। ये सेंसर आपने खोल लेना है यहाँ से कैम सेंसर, क्योंकि ये पीछे आएगा ना तो उसमें टच ना हो। अब इतना करके ये बोल्ट खोल के आप इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी सेम मार्क पर खोल कर आपने सेम मार्क पर जो है फेजर लगा देना है, टाइट कर देना है बोल्ट अच्छे। सॉरी मैं आपको कैम फेजर निकालने की और लगाने की वीडियो नहीं दिखा सका, क्योंकि इसमें दोनों हाथों से उसको पकड़ के बाहर निकालना होता है, बाकी सारे लोग बिजी थे। ये बहुत ईजी होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा क्लियर करके। इसको टाइट करने के बाद में वाइस ग्रिप निकालेंगे आप पहले आराम से, ये देखिए, फिर उसके बाद ये निकालेंगे आप। ये वायर इसीलिए बांधा है मैंने हार्ड, ताकि टूटे नहीं और इजीली निकल जाए। देखिए ये बाहर आ गया। अब मेरा जो कैम है वो बिल्कुल सेम मार्क पे है जहाँ मैंने आर पे रखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है, कहीं नहीं गया है। और नीचे जो क्रैंक का था वो भी ठीक है, उसी के निशान पर है वो भी। ये देखिए तो इस तरह से आप इजीली इसका जो है कैम फेजर चेंज कर सकते हैं। कोई सी भी साइड का चेंज हो सकता है, इसी तरह से राइट का भी हो जाएगा जैसे मैंने लेफ्ट का किया है, ठीक है। अभी मैं इसका वाल कवर वगैरह लगा देता हूँ और काम फाइनल करता हूँ इसका मैं।
सक्सेसफुली कलर चेंज कर दिया मैंने इसका कैम फेजर बैंक टू का। उसके बाद भी जो है सिलेंडर नंबर 7 मिसफायर था, तो उसको मैंने चेक किया तो उसमें जो है स्पार्क प्लग गड़बड़ निकला। अभी दोबारा से मैं इसकी रिप्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, दोबारा से देखता हूँ क्या मसला निकलता है। अभी फ़िलहाल तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बाकी है। ये देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है इसका, ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है सिलेंडर नंबर 5 का और सिलेंडर नंबर 8 का। तो इसको अभी चेक करता हूँ मैं। स्पार्क प्लग ही मेरे ख्याल से जो है इसके ख़राब हैं, नए हैं वैसे, लेकिन कार्बन बहुत ज़्यादा जम गया है क्योंकि रिटायर्ड पर चले ना कैम काफ़ी टाइम, तो कम्बशन अच्छे से नहीं हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा कार्बन जम गया, बस यही वजह है। तो अभी स्पार्क प्लग मैं उसको चेक करता हूँ, कल करूँगा, अभी काफ़ी रात हो गई। तो अभी ये फाइनल हो गया भाई, इंजन हमारा एकदम स्मूथ चल रहा है। इसके 4 स्पार्क प्लग और चेंज करने पड़े क्योंकि कैम रिटायर्ड हो गई है, तो स्पार्क प्लग बहुत ख़राब हो गए थे तो मैंने चेंज कर दिए, प्रॉपर कम्बस्टन नहीं हो रहा था ना। तो अभी कार रेडी है हमारी, एकदम परफेक्ट हो गई, कोई चेक इंजन लाइट कुछ नहीं आ रही, एकदम ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार और चेक करने जाता हूँ टेस्ट ड्राइव के लिए और फिर देखता हूँ। बस अभी ये टायर प्रेशर लो है एक, बाकी सब ठीक है।